जैस्मीन ने भड़काया फतेह को तेजो के खिलाफ, फतेह लेगा बड़ा फैसला। तेजो को हुआ शक फतेह पर, फतेह का शक बदला यकीन में, और इसी के साथ साथ फतेह ने दिया जैस्मीन को मुंह तोड़ जवाब। हे गाइस, आप देख रहे हैं टेली बैली मसाला, आपके फेवरेट सीरियल उडारियां के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट लेकर एक बार मैं फिर से आप सबके लिए हाजिर हूँ। तो आप कर दीजिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी डेली अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को पाने के लिए। गाइस, एपिसोड में आज हम कुछ ऐसा देखेंगे। जैस्मीन को पहले लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि फतेह को कोई गलतफहमी हुई है, तेजो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। पर फिर जैस्मीन सोचती है, मुझे इससे क्या मतलब है, मेरे लिए अच्छा ही है। फतेह के दिल में तेजो के लिए नफरत भरने लगी है। जब भी आ जाती हैं बेबे और बोलती हैं, वो कौन लड़का है, मुझे सच सच बता दे, वो लड़का है या फिर लड़की है। जैस्मीन बात को टाल देती है। और गाइस, इसी के साथ साथ हम एपिसोड में ये भी देखेंगे कि तेजो आती है फतेह के साथ लंच करने के लिए फतेह के ऑफिस पर। फतेह वहाँ से निकल जाता है और बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगा मुझे ज़रूरत है तुम्हें बताने की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तेजो को फतेह का ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। और एपिसोड के बीच में हम ये भी देखेंगे कि तेजो बार बार कोशिश करेगी फतेह को कॉल करने की, पर फतेह तेजो का कॉल पिकअप नहीं करेगा, बार बार फ़ोन काटता ही रहेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, फतेह बार बार मिलता है जैस्मीन से। फतेह और जैस्मीन कहीं जा रहे होते हैं और बीच में ही फतेह कार रोक देता है और कार के अंदर जैस्मीन बहुत भड़काती है फतेह को और उसके दिमाग में बात डालती है कि हाँ हाँ, फतेह बूजो और तेजो का अफेयर ही चल रहा है। फतेह कार रोकता है, जैस्मीन और फतेह बाहर आते हैं। जैस्मीन बोलती है, फतेह अभी तो हम पिंड में ही हैं, तुमने कार क्यों रोक दी, कोई हमें देखेगा तो क्या होगा। फतेह बोलता है, देखने दो, तेजो भी तो मुझे धोखा ही दे रही है। इसके बीच में जैस्मीन एक बात बोलती है, सब लोग मुझे गलत बोलते हैं और तेजो को देखो क्या क्या कर रही है। यहाँ पर फतेह को आ जाता है गुस्सा और कहता है, तुम चुप रहो, तुम तेजो की बराबरी कभी नहीं कर सकते और हम कौन सा दूध के दूल्हे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं ना। फतेह एक बात और बोलता है, मुझे लगता था मैं तेजो का धोखा दे रहा हूँ, पर यहाँ पर तेजो तो मुझे धोखा दे रही है। इसके बीच में करती है तेजो फतेह को कॉल, पर फतेह कॉल नहीं उठाता है। फतेह बोलता है, मैं सपना पूरा करूँगा तुम्हारा, हम दोनों चले जाएंगे कनाडा किसी को बताए बिना और ख़ास कर तेजो को। फतेह बोलता है, हम तुम्हारा पासपोर्ट भी बनवा लेंगे। जैस्मीन बोलती है, एक महीने में पासपोर्ट बनेगा, तुम एक काम करो, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा चलने दो, एक महीने बाद हम यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर। और जब फतेह कॉल करेगा तेजो को तो उसका कॉल उठाएगा बूजो और फतेह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। फतेह मिलेगा बूजो से और कहेगा, तो एक बात बता, तूने मुझसे कहा था कि तू तेजो भाभी के पास रहे और अब वही तेरा फ्यूचर है, मैं तेजो के पास रहता हूँ, पर मेरे दिल में एक बात आ रही, क्या तेजो मुझे धोखा दे रही है। बूजो कहता है, भाभी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और फतेह वहाँ चला जाता है बिना कुछ कहे। तो गाइस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हमें धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे अपकमिंग एपिसोड में। क्या इस एक महीने में सब कुछ सच बाहर आ जाएगा या फिर नहीं, आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर फतेह के सामने तेजो की असली सच्चाई सामने आ गई कि वो बूजो के साथ कोई अफेयर शफेयर नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप है और वो किसकी वजह से है, सिमिदी की वजह से, अगर इससे सामने आ गया, क्या फतेह जैस्मीन को छोड़ तेजो के पास जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे डेली अपडेट्स पाने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।